और अब वो चौंकाने वाली रिपोर्ट जिसका हमने वादा किया था। कहानी 11 साल के मासूम रमेश की, जिसे कुदरत ने जीते जी पत्थर की मूरत सा बना दिया है। ये है 11 साल का मासूम रमेश। इसका कोई दोस्त नहीं, कोई साथी भी नहीं, इसके पास कोई नहीं आता, इसके साथ कोई नहीं खेलता। ये बस अपने माँ बाप का लाडला है। वो बेबस माँ बाप जो बरसों से अपने बच्चे की ये हालत देखकर सिर्फ रोते आए हैं। मेरे बच्चा ले राम रुका रहे सुनाई कर तेरे राम रुका रहे दिन सब तो दुनिया बहुत दुनिया लिबर नहीं बहुत सब रंसो बिंती जा मेरे राम रुका रहे जो तीसरा राम रुस उसे तेरे राम रुपए नहीं बहुत मेरे छोरा गुप्त जार बहुत मोले तेरे राम किसी पत्थर की मूरत सा दिखने वाला ये मासूम बचपन से ही एक अजीबोगरीब बीमारी की चपेट में आ गया। जन्म के महज 15 दिन बाद ही एक थियोसिस नाम की अनुवांशिक बीमारी उसके शरीर को बिगाड़ने लगी। दुर्लभ बीमारी की वजह से रमेश की कोमल त्वचा उतरने लगी और उसकी जगह मोटी काली चमड़ी ने लेना शुरू कर दिया। रमेश का शरीर धीरे धीरे एक काले पत्थर की मूर्ति की शक्ल लेने लगा। उसके शरीर के हिस्सों में हलचल होना बंद होने लगी। इक्थियोसिस बीमारी से न सिर्फ उसका बोलना बंद हो गया, बल्कि 6 साल की उम्र में वो अपने पैरों पर चलने फिरने की ताकत भी खो बैठा। रमेश का पपड़ीदार रूप देखकर दूसरे बच्चे डर की वजह से उसके पास नहीं आते, उसे अकेला छोड़ देते हैं। जन्म के बाद से ही वो हर दिन हर पल एक ऐसी पीड़ा सहता आ रहा है जिसे वो शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। पहिला जन्मिँदा राम्रै थियो, त्यसको पछि लगभग 15-16 दिन पछि बाट यो छाला चाहिँ सबै उत्रियो। सबै उत्रियो, उत्रिँदाखेरि यस्तो कालो छाला फुला। रमेश का परिवार नेपाल की राजधानी काठमांडू से 275 किलोमीटर दूर बांगलुंग में रहता है। मजदूरी कर घर का गुजारा करने वाले रमेश के पिता नंद बहादुर और माँ नर कुमारी ने अपने बच्चे को आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि रमेश को इक्थियोसिस नाम की बीमारी है और उसके इलाज में करीब 10-12 लाख रुपए खर्च होंगे, तो उन्होंने उसे डॉक्टरों को दिखाना ही बंद कर दिया। महंगा इलाज करवाने में नाकाम रमेश के माँ बाप के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने बेटे को तिल तिल तड़पता देखते। रमेश के माँ बाप के मुताबिक 5 साल का होने पर उसे बहुत पीड़ा होने लगी और चलने में नाकाम होने लगा। वो अपनी जगह पर बैठ जाता और रोने लगता। 6 साल का होने पर उसका चलना फिरना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा पाया। वो सिर्फ ये बता पाता है कि कब उसे भूख लगी है और कब बाथरूम जाना है। इसके अलावा वो कुछ और नहीं बता पाता कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। काफी लंबे अरसे तक बेटे को तड़पता देखने वाले बेबस माँ बाप उसके सही होने की उम्मीद खो चुके थे, लेकिन इस बीच रमेश की किस्मत ने तब करवट ली जब उसका एक वीडियो नेपाली पत्रकार के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर किया गया ताकि उसकी मदद हो सके। वीडियो के बाद ही रमेश को काठमांडू मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इलाज के लिए दाखिल कराया गया, लेकिन काठमांडू में इलाज के दौरान होने वाले बाकी खर्चों के लिए रमेश के माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। इसी बीच
जब रमेश के वीडियो पर नेपाल के जाने माने गायक संजय श्रेष्ठ की नजर पड़ी तो उनके जरिए सात समंदर पार से मासूम रमेश के मददगार बनकर सामने आए ब्रिटिश गायक जॉस स्टोन। दरअसल संजय श्रेष्ठ स्टोन का एक कॉन्सर्ट आयोजित करवाने में उनकी मदद कर रहे थे। मुझे जॉस की टीम का एक ईमेल मिला था जिसमें उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर एक चैरिटी के लिए कॉन्सर्ट करना चाहते हैं। इसी बीच मैंने सोशल मीडिया में इस बच्चे का एक वीडियो देखा जिसके बाद मैंने उसे जॉस को भेजा तो वो तुरंत इस बच्चे की मदद के लिए तैयार हो गई। इसके बाद जॉस स्टोन ने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया जिससे रमेश के इलाज के लिए करीब 1,33,000 रुपए इकट्ठा हुए। लेकिन जॉस के लिए शायद सिर्फ ये काफी नहीं था, इसीलिए वो अगले ही दिन अस्पताल में बच्चे से मिलने पहुंच गई और उसके साथ करीब 2 घंटे बिताए। जिंदगी में अब तक तन्हा रहा रमेश अस्पताल में लोगों को अपने करीब पाकर बेहद खुश है। वो लोगों के साथ खेलता है, मस्ती करता है। Skin is looking way better than what I saw in the pictures. I like that we've walked in there and seen massive light. It isn't bleak. This can work. You can do it. We can do it. They can do it. It is possible.